This is lesson number 14. Live a long healthy life and the topic is water drug. ठीक है, हम water drugs के बारे में पढ़ेंगे. ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो bacterial infection में हमारे body के bacterial infection होता है inside our body, जो हमें दिखता नहीं है. बहुत सारे ऐसे germs हैं जो हमें दिखते नहीं है. bacterial infection की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं. तो ये कुछ ऐसी drugs या दवाइयाँ हैं जो इसको रोकती हैं और खत्म भी कर देती हैं. ठीक है, सो देयर आर मेनी मेडिसिंस दैट डॉक्टर यूज क्योर डिजीजेस. बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो डॉक्टर इसका यूज करके बीमारी का इलाज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक्स, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती हैं. और सेवरल डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, जैसे बहुत सारी बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलती है, जर्म्स की वजह से फैलती है. तो सेवरल डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड एक्सेट्रा आर स्प्रेड बाय जर्म्स नोन एज बैक्टीरिया. ठीक है, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, ये सारी बीमारियां जो है वो जर्म्स की वजह से फैलती है. जो बॉडी में जर्म्स हो जाते हैं और जिसे हम बैक्टीरिया में बोलते हैं, बैक्टीरिया. एंड इन 1928, लेकिन 1928 में अब इसका कोई इलाज नहीं था. बॉडी में बीमारियां फैल रही है, इसके इलाज के लिए दवाइयां भी तो होनी चाहिए. तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर अ ड्रग कॉल्ड पेनिसिलिन. 1928 में ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने एक ड्रग का आविष्कार किया जिसका नेम था पेनिसिलिन. ये पहली की ड्रग है, दवाई है पेनिसिलिन. दिस ड्रग कर्ब्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी. और ये जो दवाई है पेनिसिलिन ड्रग है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स है उसको कंट्रोल करता है और रोकती भी है ये दवा. ठीक है, तो ये जितनी भी दवा है, इसकी जो आविष्कारक है, डिस्कवर मींस इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी 1928 में. टुडे दिस ड्रग इज यूज्ड टू क्योर मैनी डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. आज ये दवा बहुत ही ज्यादा यूज होती है, बहुत सारी बीमारी के लिए यूज की जाती है. जितनी भी बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जर्म्स की वजह से